दिल को बार बार प्यार हुआ, हर एक बार हुआ, सबसे प्यार हुआ। हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली एंड वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे एपिसोड स्टार्ट हुआ हमको लगा रही बहुत सी चीज़ें साफ हो रही है, वापस एक बार सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज एक हो सकते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला फिर भी उनसे हर्ट है, फिर भी उनसे बात तो कर रहे हैं, और शायद शहनाज और ज़रा क्या बोलते हैं पेशेंस रखे, या फिर और थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, बस पेशेंस रखे, लॉयल्टी दिखाए तो शायद सब चीज़ें क्लियर हो सकती है। सिद्धार्थ शुक्ला की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी उनके मन में चल रहा है वो सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही कैप्टनसी टास्क चालू हुआ शहनाज ने वापस एक बार फ्लिप मारा और वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला को वापस एक बार क्लियर हो गया कि ये तो मेरे साथ है ही नहीं, मतलब ये तो लॉयल रहती ही नहीं। और शहनाज ने दावा भी किस पे लगाया, विशाल आदित्य सिंह पे, जो शायद कुछ ही हफ्तों में बाहर चले जाएंगे। ऐसे इंसान पे दावा लगाया, ऐसे टीम के साथ खेल रही जो उनके साथ एक्चुअल में बिल्कुल नहीं है, जो उनका साथ एक्चुअल में देंगे भी नहीं। जितना अटेंशन सिद्धार्थ शुक्ला ने दिया है, जितना प्यार सिद्धार्थ शुक्ला ने दिया है, जितना सब कुछ, मतलब पूरा गेम का फोकस छोड़ के कहीं ना कहीं शहनाज पे फोकस जा रहा था सिद्धार्थ शुक्ला का, जितना उन्होंने किया है उतना दूसरी टीम नहीं करेगी, क्योंकि दूसरी टीम को भी पता है कि शहनाज कभी भी फ्लिप मार सकती है, तो हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते। अभी जो शहनाज रोती है या जो कुछ भी, और फिर मेरे को कमेंट्स आते हैं, या फिर मैंने ट्विटर पे देखा है कि बहुत से लोगों को बुरा लगता है कि शहनाज जब रोती है वगैरह, बट शहनाज को रोने का, अपने आप पे रोने का वक्त लाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी एक के साथ वो लॉयल रहती ना, किसी एक के साथ रहती, तो कोई एक इस घर में कोई भी एक हो वो उसका साथ एंड तक देता, चाहे तू आसिम के साथ रहे स्टार्टिंग से या चाहे तू सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रहे स्टार्टिंग से। अगर आप फ्लिप नहीं मारते तो ऐसा होता, बट मुझे कहीं ना कहीं अभी फीलिंग आने लगी कि शहनाज एंटी शुक्ला तो नहीं है, क्योंकि जब भी सिद्धार्थ शुक्ला आसिम के साथ होते तब वो पारस के पास चली जाती फ्लिप मार के, जब पारस के साथ आते तब वो आसिम के साथ जाती फ्लिप मार के, जब किसी और के साथ हो तो वो रश्मि के साथ जाती है फ्लिप मारने। तो यहाँ पे शहनाज एंटी शुक्ला तो नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन वो जो फ्लिप मारती है, जो करती है, शायद वो हर्ट करने के लिए करती हो, बट इन रिटर्न जब वो हर्ट होती तब वो रोने लग जाती, फिर वो बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगती कि मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, जो कि बोलने की जरूरत नहीं थी। अभी आज देखा जाए तो शहनाज ने पहले ही बोल दिया था, शहनाज का कहना है कि मैंने तो तेरे को पहले ही बोल दिया था कि मैं तो उनके साइड से खेलने वाली हूँ, मैं उनको सपोर्ट करने वाली हूँ, तो फिर तेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो शहनाज, अगर आपने सिद्धार्थ शुक्ला को पहले ही बोल दिया था कि आप उसके साइड से खेलने वाले हो, और इसीलिए अगर सिद्धार्थ ने आरती को कहा होगा कि तू शहनाज के बास्केट में अंडे क्यों भर रही है, क्योंकि शहनाज तो वोट साइड में है, शहनाज ने तो पहले ही बोल दिया था, तो शहनाज आपको क्यों बुरा लग रहा है, आपको क्यों हर्ट हो रहा है कि सिद्धार्थ ने तो ऐसा बोल दिया कि अंडा क्यों भर दिया, यार ये तो घटिया आदमी है, ये तो ऐसा ही, क्यों इतना क्यों ओवर रिएक्शन। आप हमेशा फ्लिप मारते नहीं हो, आप हमेशा वही चीज करते नहीं हो, जब आपको कोई दे तो आप नहीं ले सकते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपने बिल्कुल भी। यहाँ आपके हाथ में गेम था, अभी तक भी है, अभी भी कोशिश करो, लॉयल्टी दिखाओ तो बहुत बड़ी बात होगी, अभी भी हाथ में गेम है। विशाल के ऊपर दावा लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। जैसे मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग, जैसे एपिसोड स्टार्ट होता है तो विशाल और शहनाज, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज बहुत ही मजे करते हुए दिखाई देते हैं, वो टेबल जिस पे वो लेटी हुई रहती है वो गार्डन में, उसको पुल करके ऐसी मस्ती मजाक चालू रहता है। पहले अबू मलिक की बात चालू होती है, वहां पे मैं सबसे बात करती हूँ, तो पारस बोलता है ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि तू जिससे बात करे वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला बात करे। बीच में ही शहनाज को गुस्सा आ जाता है, चलने लग जाते, तो सिद्धार्थ शुक्ला बोल रहा है मैंने अभी क्या किया, ये तो हंसी मजाक चालू था, ये अचानक से क्यों चलने लग गया, अचानक से क्या प्रॉब्लम हो गया। तो वापस एक बार शहनाज आके रूट के बैठ जाती, देखो हमेशा आना रूट के बैठ जाना, अभी 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 आपका थोड़ा सा सॉल्व होने लगा था, और तब आप ऐसा करोगे तो फिर वो तो सॉल्व होने से रहा। तो वो कहती है कि तेरे पास बैठू तो प्रॉब्लम, नहीं बैठू तो प्रॉब्लम, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर ये सारी बातें हो गई, फिर बाद में बोलती, अचानक से शहनाज बोलती तू नीचा दिखा रहा है मुझे, और तू मेरे को नीचा दिखाना चाहता है। वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला यहाँ पे कैमरा, वहां पे कैमरा, सब में बोलता। अभी ये पूरे टॉपिक में ना शहनाज को नीचा दिखाने का कहीं पे भी नहीं था, ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं थी। और जो एक्चुअल में नीचा दिखाता है उसका कभी शहनाज को नीचा लगा ही नहीं जिंदगी में, जो एक्चुअल में कोई दिखाना चाहता हो या कुछ करना चाहता उसको कभी नहीं लगा। जैसे आज शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला को पुल करके पंच मारती है और गुस्सा आ जाता है उसको, तू ना लिमिट में रहे, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला ने यहाँ पे कोई प्लानिंग की ही नहीं थी जरीवाला के साथ। सिद्धार्थ शुक्ला ने सीधा सीधा कहा था विशाल
या रश्मि को तुम लोग ब्लॉक करो, शहनाज का तुम लोग देखो तुमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे शहनाज का वो अपने टीम को ये थोड़ी ना बोल सकते कि शहनाज को ब्लॉक मत करो, क्योंकि शहनाज तो ऑपोजिट टीम है, तो शहनाज को इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था सिद्धार्थ शुक्ला ने कि आप लोग का देखो क्या करना है, बट शहनाज को जरीवाला ने ब्लॉक किया तो शहनाज को इतना ज्यादा गुस्सा आया। जब शहनाज फ्लिप मारती है, जब शहनाज किसी और के टीम के साथ खेलती है, शहनाज बिंदास बोल के खेलती है, तब शहनाज को चलता है, बट सिद्धार्थ शुक्ला जब बोल दे कि अगर ब्लॉक करना है, सिद्धार्थ शुक्ला ने जबकि बोला नहीं, बट अगर बोल दे और शहनाज को ब्लॉक कर दे तो शहनाज को बहुत गुस्सा आ जाता है, ए मिस्टर ये वो करके वो सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसा खींच के धक्का दे के पंच मारती है, कुछ तो ऐसा करती है वो बहुत जोर से। ये गुस्सा पारस के टाइम पे क्यों नहीं देखा, जब पारस पूरा किचन में जब शहनाज के ऊपर गुस्सा होके उनके ऊपर चले जाते हैं पूरा, तब तो शहनाज एकदम सहम गई थी। ये गुस्सा शहनाज पारस पे क्यों नहीं दिखा, ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला पे क्यों दिखा, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला पे क्यों कर रहे हो आप ये सारी चीजें। और एक बात अगर मैं बोल दूं, नल्ला वगैरह ये जो चीजें थी ना, ये पहले जरीवाला मायरा वगैरह ये लोगों ने बोलने का चालू किया था, तब तो आसिम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, आसिम ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं था, जब सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला तो बॉल ऑफ सडन इतना बड़ा रिएक्शन, बट सिद्धार्थ शुक्ला दिस टाइम वॉज वेरी कूल, नल्ला मतलब सेम टिट फॉर टैट आसिम के साथ हुआ कि आसिम जैसे प्रोवोकेशन गेम खेल रहे वैसे ही, बट प्रोवोक सिद्धार्थ शुक्ला ने किया ये मैं नहीं बोलूंगी। सबसे पहले आसिम ने बोला था कि कायर का डेफिनेशन क्या है, शहनाज बता तो जरा शहनाज कायर का डेफिनेशन क्या है, तो तब नहीं हुआ प्रोवोकेशन। तब अगर सिद्धार्थ शुक्ला आते बोल कायर मतलब क्या, बोल क्या बोलना चाहता है बोल, तो वहां पे वो कैसा दिखता, इसमें सिर्फ सिद्धार्थ आसिम ने रिएक्ट किया इसलिए वो इतना ओवर दिख के आया। तो शहनाज का भी ये जो कहना था कि नीचा दिखा रहा है वगैरह ये सारी बोलने की चीजें जरूरी नहीं थी। रोटी के ऊपर भी शहनाज ने पहला झगड़ा किया, पराठे मैं सिर्फ इन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ बनाऊंगी क्योंकि तू उसके हाथ का नहीं खाना चाहता, जबकि शहनाज अपने हाथ से बना रही थी और रश्मि के हाथ का हाथ से प्रॉब्लम था, बट शहनाज ने बोला मुझे बुरा लगता है उसके लिए बोलना, बोलते हो तुम लोग ये सारी चीजें। तो शहनाज का भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वाला जो कोटा था वो नहीं दिख रहा। बहुत ही सीरियस डिस्कशन हुई आज शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में। सिद्धार्थ शुक्ला ने यहाँ पे बहुत बड़ी चीज बोली कि मेरी अटैचमेंट तेरे साथ बहुत है, किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं रहा है, ये इतना अटैचमेंट सिद्धार्थ शुक्ला का था, इसलिए शायद सिद्धार्थ शुक्ला हर्ट होके इतनी सारी बातें शहनाज को बोल रहे, क्योंकि शहनाज ने जैसा प्यार हर एक को दिखाया, मेरे को तेरे लिए प्यार है, मेरे को तेरे लिए प्यार है। अगर आप एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देखो तो आसिम के लिए भी बोला था, मेरे को आसिम का लग रहा था कि मैं इसके साथ करूं, बट अभी मैं हिमांशी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, ये भी बात शहनाज ने बोली। गौतम गुलाटिया है मेरे को तेरे लिए बहुत प्यार है, कार्तिक आर्यन बोला मेरे को तेरे लिए वैसा वाला प्यार है। तो हर किसी के लिए अगर प्यार है तो सिद्धार्थ शुक्ला को थोड़ा सा बुरा लग गया, अभी वो जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको बुरा लग गया कि अरे ये तो सबसे प्यार करती, मतलब मेरे लिए वो वाला प्यार नहीं है, और इसलिए तो उन्होंने आज अटैचमेंट वाली बात बोली, बहुत बड़ी बात। जैसे सिगरेट के साथ है मेरा इस घर में, मुझे पता है सिगरेट मुझे प्रॉब्लम देगी, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, फिर भी मैं जाता हूँ सिगरेट पीता हूँ, वैसी हो गया है मेरा तेरे साथ। मतलब यहाँ पे शहनाज कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम देने वाली उनको पता है, फिर भी वो शहनाज के साथ बैठते बात करते, वही तो बात हुई ना, अगर इतना हर्ट कोई और करे सिद्धार्थ शुक्ला को, वो इतना ओपनली बैठना या मेरा हाथ दबा या कुछ जो भी चालू था उन दोनों का वो नहीं करते बिल्कुल भी, पर शहनाज थी और कहीं ना कहीं शहनाज ट्राई कर रही है, जो कुछ भी रो रही उनको लगा, तो इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज को वो चांस दिया, बट शहनाज ने वापस एक बार वो चांस का दुरुपयोग किया है। सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला शायद तेरे लाइफ में ऐसे लोग आए हो गए या कुछ, इस वजह से तेरे को जबान की कीमत नहीं पता या जबान क्या है पता नहीं, बट मैं तुझे बोल रहा हूँ गांठ बांध ले गेम के एंड तक, या शायद लाइफ के एंड तक थोड़ा टफ होगा, बट नफरत कभी नहीं करूंगा मैं तेरे को, पर मैं तेरे टच में कभी नहीं रहूंगा। बहुत बड़ी बात है विद बहुत डीप मीनिंग, अगर आप समझ सकते हो किसी के फीलिंग्स या इमोशंस को तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि तुम अलग हो मैं अलग हूं, मैं तुम्हें सही गलत बताऊंगा पर तू अपने मन से ही सही गलत करेगी और फिर मुझे इफेक्ट होगा। बहुत बड़ी बात है, इफेक्ट होगा। दूसरे दिन शहनाज ने वो प्रूफ करके दिखाया दूसरे टीम में जाके कि हाँ देखो आपने मुझे सही गलत बताया होगा, कुछ भी होगा मैं तो चली गई इनके टीम में। शहनाज बड़ी बोल भी रही है कि इन्होंने मुझे सेव किया, इसलिए अगर शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला का वो जो सिद्धार्थ शुक्ला को सेव करने का छोड़ के अगर विशाल को करती तो उसके पीछे पीछे आसिम और रश्मि सब लोग विशाल को करते। शहनाज को यहाँ पे कोई सेव करने नहीं आया, या आसिम रश्मि की टीम शहनाज के साथ बिल्कुल भी नहीं है, और शहनाज अगर ये कर रही है ना अपने पैरों पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मार रही है। अगर सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लॉयल फ्रेंड को वो अगर छोड़ रही है ना तो यहाँ पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी शहनाज अपने पैरों पे मार रही है। अगर
फैमिली वाला जो वीक है, जो पूरा वीक फैमिली घर वाले रहने वाले हैं बिग बॉस के, जो घर वालों के साथ उनके घर वाले आके रहने वाले, उसमें अगर आसिम का भाई नहीं आया तो हिमांशी आएंगी ऑफकोर्स, और अगर हिमांशी आई तो शहनाज को कौन देगा अटेंशन? 5 दिन तक कौन रहेगा शहनाज के साथ? पागल नहीं हो जाएगी वो? अटेंशन के लिए तो वो सारी चीजें करती, तो फिर कौन रहेगा उसके साथ? तो यही तो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत बड़ा कुलाड़ी शहनाज अपने पैरों पे मार रही है। तो शहनाज भी बोलती है, हाँ मैं तो अपनी मर्जी का करूंगी। तो ये बहुत बातें हो चुकी है उन दोनों में, और बहुत बड़ी डीप मीनिंग वाली बातें है ये। सिद्धार्थ शुक्ला ने जो बोला है वो बहुत डीप है बातें। फिर भी हमको लगा थोड़ा हंसी मजाक चालू था सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में। वो बोलता है हाथ दबा तो मैं तेरी वाइफ नहीं हूँ वगैरह वगैरह, वो बातें बोल बोल के, हाँ मैं शादी करने नहीं आया, शायद तू बॉयफ्रेंड बनाने आई। तो शहनाज बोलती हाँ ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये नेचुरली शहनाज को प्यार हो जाता है। तो शहनाज बातों बातों में बोलती, मैं तेरे लिए इतना करती हूँ, तेरे लिए कैरेक्टर खराब किया है। अभी शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला को ये बोलना कि मैं तेरे लिए इतना करती हूँ, मैंने तेरे लिए कैरेक्टर खराब किया है, तो यहाँ पे कोई कैरेक्टर खराब नहीं हुआ है शहनाज का सिद्धार्थ शुक्ला के वजह से। आप जस्ट सोचो, अगर वो लड़की खुद बोल रही है सिद्धार्थ शुक्ला को मुझे किस कर, मुझे किस कर, और सिद्धार्थ शुक्ला उसको बिल्कुल किस नहीं करते, अगर किस करते और फिर ये बोलती मेरा कैरेक्टर खराब हो गया तो, बट सिद्धार्थ शुक्ला कभी उसका कैरेक्टर खराब होने ना दिया है पहले, ना कभी होने देंगे कभी भी आगे। उन्होंने एक दायरा रखा है हमेशा, हमेशा उन्होंने एक लाइन क्रॉस की है कि ये दोस्ती की लाइन है, इसके आगे तो टीवी पे शहनाज के लिए कैसा दिखेगा ये सिद्धार्थ शुक्ला को हमेशा से पता था। और फिर भी शहनाज का कहना है कि तेरे लिए मैंने अपना कैरेक्टर खराब किया, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। ये बातों बातों में शहनाज तो ऐसे ही बोल देती है, बट स्टेटमेंट और उसका मीनिंग बहुत ज्यादा डीप है बात। तो उसके बाद उन्होंने बोला चल गोवा जाते, तब सिद्धार्थ शुक्ला को गुस्सा आता है, हद में रह, देखो मैं भी कुछ बोलूंगा तो तू तो फिर पागल हो जाएगी, तेरा तो ऐसे ही कि बदनाम हुए तो भी क्या, फिर भी नाम हुआ है। और शहनाज वैसे ही बिहेव कर रही है फिलहाल ही में, तो थोड़ा सा शहनाज ने, मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा दोस्ती समझे, लोग समझे। आज जैसे उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को डायरेक्ट बोला, यार वो भी ऐसे हाथ रख के, यार ये तो घटिया आदमी है, तूने सही बोला था। सिद्धार्थ शुक्ला अगर आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपके मुंह पे बोल रहे हैं, ये सब मुंह पे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या घटिया आदमी, क्या किया उसने? उसने एक बार भी जरीवाला को नहीं बोला कि उसको ब्लॉक कर करके, ये जरीवाला का अपना गेम प्लान है, उन्होंने सिर्फ बोला था कि ब्लॉक करो। अभी आप खुद उस दूसरे साइड के टीम में गए हो, और फिर आप जब दूसरे टीम में जाते हो, आप जब दूसरे साइड से खेलते हो, तब सब सही है। बट सिद्धार्थ शुक्ला अगर बोले कि हाँ वो साइड की टीम को जब हराना है और वो साइड की टीम में आप हो, तो सिद्धार्थ शुक्ला गलत है, तो सिद्धार्थ शुक्ला आपके साथ गलत कर रहा है। मतलब आपको जिताने सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे, आप फिर कोई भी टीम पे जाओ, कुछ भी खेलो, बट सिद्धार्थ शुक्ला ने तो आपके साथ ही रहना चाहिए, ये थोड़ी ना होगा कभी। सिडरा का मूवमेंट भी थोड़ा सा दिखा हमें, टाइफॉइड तो मेरे वजह से नहीं हुआ ना सिद्धार्थ, मैं रोटी बना के दूँ फिर तूने मना क्यों किया, मैं अभी तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे रश्मि को भी पता है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ प्यारी बातें करो, चाहे वो 5 मिनट के लिए करो, कुछ भी करो, एयर तो होने वाला है, क्योंकि सिडरा मूवमेंट तो ऑफकोर्स बाहर लोगों को देखना होगा। इतना ज्यादा इन दोनों के बीच में अगर गुस्सा होगा तो कुछ देखने में तो ऑफकोर्स लोगों को मजा आएगा। तो सिडरा मूवमेंट हमें थोड़ा सा दिखा देखने में, टीम तो दोनों की अलग है। तो कैप्टनसी टास्क जैसे ही चालू हुआ, आसिम और सिड टास्क के बाहर है। आप सोचो अगर आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला अगर टास्क के अंदर होते तो कितना धक्कम दुक्की होता। इन लोगों के धक्कम दुक्की पे ना कोई बात नहीं होती, कोई मुद्दा नहीं होता। विशाल ने मायरा के बाल खींचे, जरीवाला ने इतना वो जो रेसलिंग वाले जो सीन्स दिखा रही है, हाँ इस पे कोई बात नहीं करेगा। इसके पहले आसिम ने भी देवोलीना को एक टास्क में जब ये किया था तब भी नहीं मायरा को पुश किया ना। हाँ सिद्धार्थ शुक्ला करेगा ना तब हमको देखना है, सिद्धार्थ शुक्ला करेगा ना तब वो एयर करेंगे प्रोमो में, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम हम बदनाम करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातें सिद्धार्थ शुक्ला की होती है, उसके मुंह से एक शब्द निकले और बस बहुत बड़ी न्यूज। विशाल जब बोले कि शहनाज तेरे बाप का खाते है क्या, तब नहीं होता है, तब नहीं होता उसका मुद्दा, बट सिद्धार्थ शुक्ला कुछ बोले तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लॉक करो करके सिद्धार्थ ने ऑलरेडी अपने टीम को बता दिया था, तो पहले मैं रश्मि को ब्लॉक करती है वो, और फिर तभी विशाल मायरा के बाल पुल करते हैं। शहनाज तब टॉन्ट मारती है सिद्धार्थ शुक्ला को, तेरी फट रही है सिद्धार्थ शुक्ला को बोलती है। सिद्धार्थ शुक्ला बोले मेरी बहुत फट रही है शहनाज तेरे से, तो शहनाज बोलती है ऐसा खेलना है तो ऐसे ही खेलेंगे।
वहां पे माहिरा बहुत रिएक्ट करती, इसको दोस्ती का मतलब नहीं आता एक बड़ी आई दोस्ती करने। वही मैं कह रही हूँ यार, शहनाज अगर आप बोल रहे हो कि आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला है, मैं इसके लिए खड़ी रहती हूँ, मैं इसके लिए इसको फाइनल में देखना चाहती हूँ, तो कैप्टनसी टास्क क्या उनके टास्क में आप उनका मदद क्यों नहीं करते हो। हाँ, रही बात रश्मि की मदद करने की, रश्मि ने कौन सा आपका साथ दिया, रश्मि ने कौन सा टास्क में आपका साथ दिया, लाइट क्लब में आपकी नहीं बैंड बजाई उन्होंने, लाइट क्लब में कौन से साथ दिया, या बहुत से ऐसे टास्क कब उन्होंने आपका साथ आके दिया कि मैं मतलब शहनाज को करूंगी। तो फिर रश्मि, आसिम या विशाल, इन लोगों ने इतना क्या कर दिया कि आप उनके साथ चले गए, नॉमिनेशन से बचा है। वो एक बहुत बड़ा प्लान था, ये तो आपका भी दिमाग चलता है उसमें, और पारस ने भी आपको समझाया था, जब पारस समझा रहा था तब आपने भी बोला था कि ये सब मुझे सब समझता है। हाँ, बट सिर्फ इसी वाले कैप्टनसी टास्क में नहीं, इसके पहले भी आपने बहुत बार ऐसा किया कि ऑटोमेटिकली सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट जाओ, उनके अगेंस्ट खेलो, और फिर वापस एक बार थोड़े दिनों बाद रो, फिर बोलो कि सिद्धार्थ मेरे साथ ऐसा करता है वैसे करता है, मतलब ऑडियंस पूरा ऑडियंस के दिमाग से पूरा वॉश आउट कर दो, और फिर सिद्धार्थ शुक्ला को थोड़ा सा बुरा दिखाओ। तो ये तो मेरे को बात बिल्कुल पटी नहीं। यहाँ पे आसिम और पारस की भी थोड़ी सी झगड़ा हो जाता है, जिसमें आसिम बोलता है तू ऐसा है इस वजह से तू कैप्टन नहीं बना, बट पारस बोलता फिर भी मैं यहाँ तक आया, तो ये सारी बातें थोड़ी सी हुई। तो जरी वाला माहिरा वगैरह सारे लोग बोल रहे थे नल्ला है तू, मैं तो तोड़ देती, बड़ी बड़ी बातें करता है तू नल्ला, इसके लिए खड़े हम थे, और ये असली एहसान फरामोश है इसके लिए हम खड़े रहते थे, ऐसा माहिरा भी बोलते, जरीवाला भी नल्ला बल्ला बहुत कुछ बोलती है, बट आसिम तब रिएक्ट नहीं करेगा, बस सिद्धार्थ शुक्ला जब बैठ के बोलता ना नल्ला क्राई बेबी, आसिम वहां से यहां तक आएगा, क्या बोला तू, है ना, सिद्धार्थ शुक्ला वॉज लाइक चिल मैन नल्ला क्राई बेबी नल्ला। तो अपने ही मेडिसिन का टेस्ट कैसे लगता है जब आपको कोई बोलता है तो, और वहां से सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल नहीं ले, वो वहीं पे थे, आसिम चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते वहां तक वापस लाइट क्लब में जाके बैठ गए। क्यों सिद्धार्थ शुक्ला का ही नल्ला आपको पॉइंट करता है, जब माहिरा बोलती जरीवाला बोलती या बहुत से लोग बोलते तब आपको कुछ नहीं, आपको रिएक्ट भी नहीं करना है, बट जब सिद्धार्थ शुक्ला बोलते तब आपको रिएक्ट करना है। मालूम है ना, फुटेज तो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला से मिलेगी, तो वहीं पे रिएक्ट करना है, और फिर वहीं पे 10 डायलॉग बोल के जाना है, इतनी सारी बातें बोला कि एक महीने में मैं समझ गया वो इंसान क्या है, लाइक सीरियसली आप समझ गए वो क्या है, या वो समझ गया आप क्या है, उसने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया था कि आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं समझ गया क्या। और शहनाज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, शहनाज के साथ भी क्या कर दिया था सिद्धार्थ शुक्ला ने, नथिंग, ऐसा क्या कर दिया सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज के साथ जो शहनाज इतनी सारी बातें बोली। तो शहनाज को सिर्फ वही बातें बुरी लगी कि मुझे ऐसा बोल दिया, शहनाज को लगता है कि मेरे बारे में प्लान करके सिद्धार्थ ने ही भेजा है कि शहनाज को ब्लॉक कर, बट जरीवाला का ये अपना प्लान था। शहनाज फिर उसके बाद हिट कर देते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, और सिद्धार्थ शुक्ला बोलता है गो लव एनीवन यू वांट, बाद में सिद्धार्थ शुक्ला को बुरा लगता है, इस बार गुस्सा आता है, उसने कैसा मुझे धक्का दिया, अभी कुछ ज्यादा हो रहा है। इसके पहले उनको कभी भी शहनाज का कोई बातों का इतना वो असर नहीं होता था, चप्पल से मारे कुछ भी करे, बट इस बार उनको बुरा लगा है। ऊपर से बोल रही है हेलो मिस्टर लिमिट में रहे, तो लिमिट में रहने का क्या है, जब मैं बोल रही हूँ सिद्धार्थ और आसिम झगड़ा कर रहे हैं, इनके बीच में कोई नहीं आ रहा है, आरती आ रही थी कि आसिम तू दूर जा, आसिम तू दूर जा, अबे आसिम तो मारने नहीं वाला है, कुछ नहीं करने वाला, बट आरती आई थी, इसके बीच में अगर कोई और नहीं आ रहा है तो शहनाज को आने की क्या जरूरत थी, आ तो रही है ऊपर से आसिम के साइड से, आसिम को ले रही, तुझे तो पता है ना, और मतलब वो आसिम के साइड से बोलेगी और सिद्धार्थ शुक्ला को और गुस्सा दिलाएगी, और शहनाज के गुस्से के वजह से सिद्धार्थ शुक्ला ज्यादा बोल रहे थे आसिम को, एलाइट क्लब में बैठ के फिर चिढ़ाना ये करना वो करना, वो कुछ ज्यादा हो रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, फिर बाद में आपको रोने का कोई हक नहीं है, आपको बाद में रोने का कोई हक नहीं है, जब आप उसका टास्क में साथ नहीं देते हो, जब आप उसको बोलते हो कि कितना घटिया आदमी है, जब आप बोलते हो ये असलियत में ऐसा ही है, जब आप बोलते हो इसने मेरा कैरेक्टर खराब किया है, तो आपको कोई हक नहीं है कि बाद में आप रोते बैठो कि मेरे को तो बहुत बुरा लगता है, नॉट एट ऑल, घटिया बंदा है तू, सही था पहले दिन से ही पता था, सिद्धार्थ शुक्ला ने भी बोला मुझे भी पता था पहले दिन से, तुझे लगता है मैं फट्टू का साथ दूंगी, आसिम को उन्होंने कहा तुझे लगता है मैं फट्टू का साथ दूंगी, सिर्फ बोला हाँ मेरा पोल खोल देगी, मुझे तो ऐसे लगा पोल खोलोगी, तो सबसे पहले आसिम बोलता है कायर का डेफिनेशन क्या है, तो पहले पो कौन करता है, आसिम करता है, कायर का डेफिनेशन क्या, अगर तब सिद्धार्थ वैसा रिएक्ट करते कायर मतलब क्या, तूने मेरे को कायर बोला, तब वो ऐसे दिख के आता कि हाँ प्रोवोक किया है, बट तब सिद्धार्थ ने वो नहीं किया वैसा रिएक्ट, और जब बाकी के लोग नल्ला नल्ला बोल रहे थे तब आसिम ने रिएक्ट नहीं किया, बट जब सिद्धार्थ बोलते तब आसिम ने रिएक्ट किया।
तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इन सब के बीच में शनाज को नहीं आना चाहिए। शनाज जब रो रही थी, मतलब सीधा आसिम के साथ बैठ के बोल रही थी कि मैं हर्ट हूँ, मेरे को बहुत हर्ट हुआ। आसिम बोला तू मत बोल, तू 2 दिन बाद उनके पास ही जाएगी। आसिम को भी पता है शनाज कहीं ना कहीं 2 दिन बाद उनके साथ जाएगी। आप अभी कैप्टनसी टास्क के लिए इसको यूज करेंगे या एक वोट के लिए हम उसको यूज करेंगे या फिर वापस एक बार जाएंगे। तो शनाज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूज हो रही है बाकी लोगों से, और शायद उसको दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है, या वो यूज होना चाहती है या वो यूज होके दूसरों को यूज करना चाहती है, सिर्फ उसको ही पता है। आसिम ने बहुत बड़ी बात बोली कि सिद्धार्थ शुक्ला डरपोक है, वो पारस के अगेंस्ट जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो पारस के साथ रहता है। तो यहाँ पे ऐसे अब मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी से डरता है। और फिर बाद में शहनाज उसको बोलती नहीं, वो टीम के लिए प्रोटेक्टिव है, हमने पहले से देखा उसकी कोई भी टीम हो उसके लिए वो प्रोटेक्टिव है, अगेंस्ट जाने की बात है ही नहीं। पारस सारी बातें सुनता है, सब चीजें करता है, तो अगेंस्ट जाने की कोई बातें होती ही नहीं है। तो सिद्धार्थ वही वही से गुजर रहा है, सिद्धार्थ उसी को सना को फिर टॉन्ट मारता है, पहले से रो रही है, इन लोगों का ग्रुप ज्वाइन करने के बाद रो रही है, क्योंकि ये सारे लोग एक साथ बैठ के रोते हैं, हम लोगों ने भी देखा है, सब लोग बैठ के रोते हैं। तो शहनाज ने इधर एक बहुत बड़ी बात बोली कि तू प्रोवोक कर रहा है इसलिए तेरे को धक्का बैठा। यहाँ पे सिद्धार्थ ने शहनाज को कौन सा भी, इसको प्रोवोक नहीं बोलते, शहनाज को कोई भी प्रोवोक नहीं किया। शहनाज पहले आके सिद्धार्थ शुक्ला को बोली कि तू फट्टू है, तब से वो बातें आगे गई। तो यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं हुई थी कि जिससे प्रोवोक लगे। तो शहनाज भी पूछती तेरा मेरे साथ क्या था। सिद्धार्थ बोलता बकवास, तेरी हरकतें मैं रोज रोज देखता हूँ, तो बकवास हरकतें मैं रोज रोज देखता हूँ, तो बकवास लड़की, मेरा तेरे साथ कुछ नहीं होगा, जितना तू मेरे को देगी उसका तेरे को मैं डबल दूंगा। तो शहनाज ने यहाँ पे समझ के लेना चाहिए था कि मैं सिद्धार्थ के अगेंस्ट, एकदम अगेंस्ट जा रही हूँ फिलहाल ही। मैं अगर ये एक टास्क में अगर मैं सिद्धार्थ को सपोर्ट करती या लॉयल्टी एक भी टास्क में दिखाती, तो उसकी लॉयल्टी ऑल ऑफ सडन मेरे पास आती। जितना वो प्यार करता है, वो बोल रहा है, जितना अटैचमेंट सिगरेट और उसका है, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, तो उतना उतना मेरा तेरे साथ है, सिद्धार्थ शुक्ला ने ऑलरेडी बोला था। और विशाल का बायस संचालन, हाय हाय हाय, बायस संचालन, पहला बोलता है कि रद्द, फिर बोलता है नहीं शनाज जीती, फिर वापस बोलता है रद्द नहीं बोलता है, फिर शनाज जीती, जहाँ पे वो मतलब बिना हाथ पैर की वो जो बातें कर रहा है, उस वजह से खुद बिग बॉस भी को गुस्सा आया, बोला कितने अंडे थे शनाज के बास्केट में, उन्होंने बोला एक। जरीवाला बोली मैं नहीं मानती, क्योंकि शहनाज जरीवाला को आउट कर देती। तो शहनाज जब जरीवाला को आउट करती है, तब सिद्धार्थ शुक्ला बोलते नल्ला क्राई बेबी, और फिर उसके बाद ये सारी बातें हो जाती है। और बहुत मतलब खराब लगा मुझे आज देख के जब शहनाज उसके अगेंस्ट चली जाती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब शहनाज ने ऑलरेडी बोला था सिद्धार्थ शुक्ला को कि मैं उनके टीम से खेलूंगी कल, और फिर कल अगर सिद्धार्थ शुक्ला आरती को बोल रहे कि शहनाज के बास्केट में क्यों डाल रहे, क्योंकि शहनाज तो ऑलरेडी उनके टीम से खेल रही, तो वो अपने टीम के लिए खेल रहे हैं यहाँ पे। तो शहनाज जब फ्लिप मार रहे हैं, तो सिद्धार्थ शुक्ला क्यों शहनाज के लिए खेले, और ऊपर से शहनाज ही उनको फ्लिप बोले, ये कहाँ का न्याय है भाई। तो ये था मेरा आज का बिग बॉस का रिव्यू। आप किसके साथ हो, किसको सही समझ रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। मैं आती हूँ रोज बिग बॉस रिव्यू एपिसोड्स के साथ और काफी ज्यादा अलग अलग वीडियोस के साथ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत मी आलेच, हाँ बाय।